तो दोस्तों अब बात करते हैं आज होने वाले मुकाबले की, जो हो रहा है गुजरात लायंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच एक शानदार मुकाबला जो कि राजकोट में खेला जा रहा है। लेकिन किस टीम का पलड़ा भारी है और किसका पलड़ा भारी नहीं है, इसकी बात हम इस वीडियो में करेंगे। देखिए, तो अगर हम सबसे पहले बैटिंग की बात करें तो जो बैटिंग है वो भी गुजरात लायंस के पक्ष में है, और अगर हम फिनिशर्स की बात करें तो वो भी गुजरात लायंस। बॉलिंग बॉलिंग इक्वल है दोनों की, ना ज़्यादा ना कम। लेकिन जो हम बात करते हैं कि एक तरफ नामी प्लेयर्स और एक तरफ नामी प्लेयर्स हैं, लेकिन उतने नहीं हैं जितने कि गुजरात लायंस में। तो मेरी हिसाब से तो जो गुजरात लायंस हैं उनका पलड़ा भारी हो सकता है कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच, क्योंकि गुजरात ने पिछले साल बहुत अच्छा खेल खेला था और ये उनका होम ग्राउंड है, इसलिए मुझे लगता है कि वो और भी अच्छा खेलेंगे। और अगर गुजरात पिछले साल की तरह खेलता है तो शायद वो इस साल चैंपियन बन सकते हैं। जी हाँ, पिछले साल सिर्फ थोड़ी सी गलती जो उन्होंने की थी सेमीफाइनल्स में, उसको ना दोहराएं तो उनमें चैंपियन बनने की पूरी काबिलियत है। क्योंकि देखिए, फुल टीम है, बैट्समैन उसके पास बहुत बढ़िया है, टॉप ऑर्डर मैकेलम, ड्वेन ब्रावो, सुरेश रैना एंड अदर प्लेयर्स, और इससे ये पता लगता है कि टीम में कितनी जो है पोटेंशियल है, कि इतने नामी प्लेयर्स होते हैं आपकी टीम में। और अगर आपकी टीम में इतने नामी प्लेयर्स हैं तो उससे आपके हर प्लेयर में एक आत्मविश्वास पैदा होता है कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, कि मेरे साथ नामी प्लेयर्स हैं तो मैं ये कर सकता हूँ। तो यही बात है कि जिस वजह से मुझे लगता है कि गुजरात लायंस का पलड़ा भारी हो सकता है केकेआर के विरुद्ध। लेकिन कुछ भी हो सकता है, आईपीएल आईपीएल में कुछ भी हो सकता है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों अब बात करते हैं आज होने वाले मुकाबले की, जो हो रहा है गुजरात लायंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच एक शानदार मुकाबला जो कि राजकोट में खेला जा रहा है। लेकिन किस टीम का पलड़ा भारी है और किसका पलड़ा भारी नहीं है, इसकी बात हम इस वीडियो में करेंगे।